हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में सभी का स्वागत है और दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ कि आपके द्वारा हमें वो बहुत ही मतलब सम्मान दिया जा रहा है कि सर आपके द्वारा पढ़ाए गए में से ये आया, ये वो आया, मैं आपकी वजह से पास आया। दोस्तों ये चीज़ें सुन के बहुत ही खुशी हो रही है और दोस्तों इसी चीज़ को कंटिन्यू आगे करते हुए दोस्तों जो राजस्थान हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट राजस्थान का दोस्तों जो ड्राइवर टेस्ट है, तो ड्राइविंग जो ट्रायल होगा, जॉब टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, इसकी जो विशेष तैयारी है दोस्तों वो भी अभी हमारा स्पेशल कोर्स है वो हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती का दोस्तों चल रहा है। और दोस्तों इसमें लगभग 10 से 11 स्टूडेंट आ गए हैं और दोस्तों ये बेंच है वो 20 स्टूडेंट्स का होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करें ट्रायल की, तो दोस्तों आप हमारे संस्थान में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों डेमो है, फ्री रहेगा, आप एक दिन का डेमो है फ्री ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें, मैं आज आपको जो हमारी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो हम यहाँ जो कुछ भी करवा रहे हैं, उसका एक छोटा सा ट्रायल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा ये संस्थान है दोस्तों, इसमें ड्राइविंग टेस्ट, जॉब टेस्ट, इंटरव्यू के लिए दोस्तों 20 दिन का ये जो कोर्स है वो रखा गया है। और इस 20 दिन के लिए दोस्तों आपसे मात्र 10,000 रुपये वो फीस ली जा रही है। हॉस्टल सुविधा, खाना रहना सब है, वो इसी में शामिल है। दोस्तों किसी भी प्रकार से आपसे अलग से किसी भी प्रकार का शुल्क है वो नहीं लिया जा रहा है। और जॉब टेस्ट है, जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के लिए दोस्तों विशेष कक्षाओं का आयोजन है वो भी किया जा रहा है। और अलग से दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो डेमो है वो लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, जॉब टेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑफलाइन क्लासें हैं वो भी चल रही है। इनका मैं आज आपको कुछ झलक है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो इसको दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों बताएं कि आपको ये कैसी लगी। दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, कोई क्वेरी है, तो दोस्तों आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके सामने एक नंबर है जिसमें ये दिए 8209388466। तो दोस्तों आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई इश्यू हो तो दोस्तों आप इन नंबरों पे संपर्क करें और अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कई गाड़ियों में सर जैसे इसमें खींचने का है तो खींचने का होता है, कई गाड़ियों में ऐसे दबाने का होता है, मारुति की चलाओ, हुंडई की चलाओ, उसमें ऐसे ही सभी में दबाने का, इसमें खींचने का। तो ऐसे खींचा आपने, ये खींचा तो ये खुल गया। इससे क्या ये ऑपरेट होता है, ये वाला ये युक्ति है, इससे ऑपरेट होती है, बाहर खींचेंगे तो ऐसे करके लगा दो, ऊपर वाले में लगा दो। ज़्यादा डाउन हो रहे हो ऊपर वाला में ना? कोई नहीं, ऐसे सही है, ऊपर में लगेगा भाई, ऊपर में लगेगा। डेली जो चेक करना होता है ये बैटरी चेक करना होता है, ठीक है। बैटरी के आप जानते हो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कैसे पहचानोगे आप? रेड वाला क्या होता है? पॉजिटिव। और ये वाला ब्लैक वाला क्या होता है? नेगेटिव। मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी में आपकी कहीं से महक आ रही है, आपको लग रहा है मेरी गाड़ी में तार जलने की बदबू आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आपका पहला काम क्या होता है? गाड़ी को बंद करना, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बोनट खोलोगे और कौन सा वाला कनेक्शन हटाओगे? नेगेटिव वाला। ये वाला किसी भी कंडीशन में जाए, आपके पास प्लास है, डंडा है, कुछ भी है, उससे सबसे पहले क्या करोगे? इस वाले पॉइंट को यहाँ से हटाओगे, जिसके कारण आपकी गाड़ी की पूरी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो हट जाएगी और जो संभावित दुर्घटना है उससे आप बच सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि मेरी गाड़ी में बदबू आ रही है या कहीं से भी आग लगने की कोई संभावना हो रही है, तो सबसे पहले आप किसको हटाएंगे? इसको हटाएंगे, नेगेटिव पॉइंट को हटाएंगे, जिसके कारण आपकी गाड़ी की पूरी सप्लाई बंद हो जाए। पहली कंडीशन में ये होता है। दूसरी कंडीशन है, कभी भी आपकी बैटरी पे यहाँ कोरोजन नहीं लगा होना चाहिए, इन वाले पॉइंट पे जंग। हाँ, कोरोजन होता है, जंग होता है, कार्बन से आ जाता है। इस तरह की आप गाड़ी को चला रहे हो तो यहाँ वो स्पार्किंग कर सकती है, स्पार्किंग करेगी तो ये जो तार हैं वो यहाँ से जलेंगे और आपकी गाड़ी में आग लगने की संभावना रहती है। तो ऐसी गाड़ी कभी ना चलाएं। दूसरा, ये वाले जो पॉइंट हैं, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो सबसे पहले आपको ये वाले पॉइंट चेक करने हैं। कई बार यहाँ चलती हुई गाड़ी के ये पॉइंट लूज हो जाते हैं, जिनके कारण गाड़ी में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं जाती है और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होती है। तो सबसे पहले जब आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, आपको ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट किसी प्लास से या पेचकस से इलाके देख लेने हैं कि लूज तो नहीं हो गए हैं। अगर वो लूज हो गए तो यहाँ से उनको टाइट कर दें और डायरेक्टली कोई भी तार इस बैटरी से आपको नहीं जोड़ना है। जैसे ये आप ये देख रहे हो क्लिप लगी हुई है, ये सारी क्लिप लगी है, जो भी तार आपको जोड़ना है इन्हीं क्लिप के द्वारा जोड़ना है, अन्यथा आपने डायरेक्ट तार लगा दिया तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी, वो हिलेगा डुलेगा तो स्पार्किंग होगी और वो यहाँ से आग पकड़ लेगा और आपकी गाड़ी में वो आग लगने की संभावना 100% रहेगी। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। फिर इसमें जैसे ये पॉजिटिव वाला तो आप बोल रहे थे डीजल और पेट्रोल कैसे पहचानेंगे? मेनली जो पैसा यहाँ लगे होते हैं, आप देखेंगे इस जगह पर लगे होते हैं इंजेक्टर, तो इसको हम पोर्शन को खोलेंगे तो यहाँ अलग अलग इंजेक्टर लगे होंगे, जिसमें इंजेक्टर का मेन काम क्या होता है? उसमें से डीजल जाता है और कैसे जाता है?
कण कण की तरह स्प्रे की तरह जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से जाता है, जिसके कारण वो जितना ज्यादा प्रेशर होता जाए और वो जल जाता है जलने के कारण, और वो हमारा पावर यहाँ से उत्पन्न होती है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, अमूमन कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर के द्वारा पेट्रोल और हवा दोनों का मिक्सन जाता है और उसको जलाता कौन है, स्पार्क प्लग होता है। और यहाँ स्पार्क प्लग की जगह आपको क्या मिलेगा, इंजेक्टर मिलेगा, और जिसके कारण हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सी गाड़ी है, डीजल गाड़ी है। इसमें ढके हुए हैं इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है कैप लगा हुआ है, हालांकि यहाँ लगा होगा और जितने हमारे लगे हुए हैं उसी हिसाब से इसका, जैसे कहते हैं ना कितने सिलेंडर गाड़ी है ये, वो उस हिसाब से उनको पहचान सकते हैं कितने आपकी गाड़ी में लगे हुए हैं। अब देखिए ये हो गया यहाँ से, कई बार क्या होता है इनको जो देख रहा हूँ, सबसे पहले आपने बैटरी चेक किया, बैटरी मेरी सही है, तो सब दूसरे में आपको ये वाले लॉक चेक करने हैं, ये वाले सारे सारे ये ऐसे करके बाहर आ जाते हैं, इसको मैं नीचे करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे सारे सारे एक बार ठोक लेने, जहां भी ये कनेक्ट हो रहे हैं, जो जो भी कनेक्ट हो रहे हैं इनको ऐसे करके सबको ठोक लेना है एक बार, क्योंकि कई बार क्या है हमारी गाड़ी चलती रहती है हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, तो वहां से लूज कनेक्शन हो जाता है और इसी वजह से हमारी गाड़ी को जो सप्लाई जानी चाहिए थी वो सप्लाई नहीं जाती है। तो दूसरा कारण आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, गर्म हो रही है तो आपको आपके सामने गर्म होने के कई सारे कारण होते हैं। ये पहला कारण होता है आपके जो गाड़ी के अंदर ऑयल भरा हुआ है, आपके इंजन के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है, हो सकता है उसकी मात्रा कम हो गई हो। उसको कहाँ से चेक करते हैं, कौन सी युक्ति से चेक करते हैं, डिपस्टिक, उसका नाम क्या होता है, डिपस्टिक, और इसको पहचानते कैसे, अमूमन ये ऊपर से सभी गाड़ियों में ये पीले कलर की मिलती है, और जैसा कि इस पर निशान भी बना हुआ है, ये निशान बना हुआ है ऑयल डालने के लिए, और इससे चेक कैसे करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐसे करके बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और एक बार इसको साफ करेंगे कपड़े से, कपड़ा है कि ले लो कपड़ा आपको चेक करके उतार लेना, यहाँ कुछ भी हो एक बार ये साफ हो जाए। ऑयल चेक नहीं करना है हमें, कब चेक करना है, जब हमारी गाड़ी खड़ी हुई हो, ठंडी खड़ी हुई हो, उसी कंडीशन में चेक करना है। अब देखिए यहाँ दो निशान बने हुए, सभी हो सकता है दूसरी गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी की डिपस्टिक थोड़ी अलग तरह की हो, ज्यादातर में आपने देखा होगा मिनिमम के लिए यहाँ एक निशान बना होता है, मैक्सिमम के लिए यहाँ एक छेद बना होता है, दोनों जगह छेद बने होते हैं और उनके बीच में हमें ऑयल रखना होता है। इसमें देखिए उभार बने हुए, ये मैक्सिमम का है, ये मिनिमम का है, इन दोनों के बीच में ही हमें ऑयल का प्रेशर हमारी गाड़ी में होना ही होना चाहिए, और मैं तो रिकमेंडेड करूंगा कि आपका ऑयल का प्रेशर हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। जितना ऑयल का प्रेशर होगा आपकी गाड़ी उतनी ही ज्यादा गर्म होगी, आपका इंजन उतना ही ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ऑयल जैसे ही कम होगा आपके जो घूमने वाले पार्ट्स हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑयल नहीं पहुंचेगा, ऑयल नहीं पहुंचेगा तो वो आपस में घिसेंगे, टच होके चलेंगे और गाड़ी आपकी गर्म होगी। तो ऐसे करके हम गाड़ी का जो ऑयल का प्रेशर है वो चेक करते हैं। और देखिए ये वाला निशान आपने देखा होगा डैशबोर्ड पे, इसी तरह का निशान आता है, ये देखा है, ये निशान किसका होता है, क्या बताता है कि मेरी गाड़ी में ऑयल का प्रेशर कम हो गया है। अगर ये पीला आ रहा है तो हल्का कम आ गया, और रेड आ रहा है तो ऑयल बिल्कुल खत्म हो गया है, आपको गाड़ी को नहीं चलाना है, डैशबोर्ड पे ऐसा ही निशान आएगा, ये आप देख रहे हो, इस पे ये बना हुआ है, अच्छी बात है, ज्यादातर गाड़ियों में नहीं बना होता, लेकिन आपके डैशबोर्ड पे अगर ऐसा निशान आए कम हो गया है और रेड आए तो खत्म हो गया है, ऐसी गाड़ी को नहीं चलाना है, इसका आपको अवश्य ध्यान रखना है। यहाँ से इसको ऐसे लगा देते हैं, सर ये चालू करते आएगा, कंटिन्यू आता रहेगा जैसे कम हो जाएगा, जैसे ही गाड़ी चलाओगे आपकी गाड़ी में कम है तो चालू करते ही आपका डैशबोर्ड पे वहाँ आ जाएगा और वो कंटिन्यूस बना रहेगा, पीला बना रहेगा, रेड आए तो आपको गाड़ी को नहीं चलाना है, पीले का मतलब आपकी गाड़ी में ऑयल का प्रेशर कम हो गया जितना होना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी में ऑयल का प्रेशर कम हो गया तो आप उसको डालोगे कैसे, आपको पता होना चाहिए मेरी गाड़ी में कहाँ से डालना है। देखिए जैसा निशान यहाँ बना हुआ है वैसा ही निशान आपका यहाँ बना हुआ है, तो आप इसको ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे और यहाँ से आप अपनी गाड़ी में ऑयल डाल सकते हैं इस वाले से। ये गाड़ी गर्म हो तो खोल सकते हैं क्या सर? नहीं, गर्म गाड़ी में आपको कभी नहीं खोलना, मैं किसी भी चीज को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि गर्म गाड़ी में कोई भी चीज आप इसमें खोले, तो गर्म गाड़ी में तो आपको कुछ भी नहीं खोलना है इसके अंदर, ये भी आपको ठंडी कंडीशन में ही खोलना है। कितने समय बाद में सर? लगभग गाड़ी को अगर एक घंटा खड़ी रहे तो वो ठंडी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप जब भी गाड़ी को चलाए सुबह सुबह आप एक बार अपनी गाड़ी में चेक कर लें ये भी सारी चीजें कि मेरी गाड़ी में ऑयल का प्रेशर है या नहीं है, पूरा है या नहीं है। तो ये दोनों चीजें तो हमारे गाड़ी के ऑयल के प्रेशर को बताएंगे कि मेरी गाड़ी में ऑयल का प्रेशर कितना जा रहा है या कितना नहीं जा रहा है। अब देखिए दूसरी चीज जो गाड़ी में गर्म होने का मेनली कारण होता है वो होता है कूलेंट।
तो कूलेंट का आपको पता है जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर का कैप कहीं कभी भी नहीं खोलना चाहिए। और इसमें एक चीज अच्छा है कि इसमें उसको पैक किया हुआ है, आप खोल ही नहीं सकते उसको, ठीक है। ज्यादातर गाड़ियों ओपन में होता है और कई बार लोग गाड़ी की गलती क्या करते हैं, उसको रेडिएटर कैप को खोल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है और पानी का इतना प्रेशर होता है कि जैसे ही आप खोलोगे आपके मुंह पे पूरा आ जाएगा और मुंह को पूरे को जला देगा। ठंडी होने पे भी नहीं, ठंडी पे नहीं होता है, लेकिन गर्म जैसे गाड़ी आपकी चलती हुई आई को आपने खोल दिया तो आपके मुंह को पूरे को वो जला देगा। इसमें वो ढका हुआ है, यहाँ से पूरा ढका हुआ है। और इसका पूरा कनेक्शन कहाँ होता है, ये वाला आप देखो, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं मेरी गाड़ी में कूलेंट है या नहीं है। इसको खोल के यहाँ से खोलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा मेरी गाड़ी में कूलेंट है या नहीं है। आप देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का इधर बने हुए, यहाँ साइड में आप निशान देखोगे, यहाँ आप देख रहे हो, दिख रहा है आपको, मैक्सिमम का बन रहा है और मिनिमम का बन रहा है। कूलेंट कभी भी मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए, मैं तो कहूंगा आपकी गाड़ी में मैक्सिमम ही होना चाहिए। जैसे ऑयल मैक्सिमम होना चाहिए वैसे कूलेंट मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि कूलेंट जितना कम जाएगा उतना ही आपकी गाड़ी ज्यादा गर्म होगी। तो इन दोनों का प्रेशर, ये दोनों फैक्टर मेनली डिपेंड करते हैं कि मेरी गाड़ी कितनी गर्म हो रही है, कितनी ठंडी हो रही है। तो आपकी गाड़ी का ऑयल भी पूरा होना चाहिए, आपकी गाड़ी के अंदर भी दी हुई है अलग से। अमूमन इसको देखेंगे तो ऐसे खुल जाता है, देखिए अब इसमें ऑयल भरा हुआ है, इसमें भी साइड में निशान आप देखोगे, यहाँ साइड में बना हुआ है, दिख रहा है कि नहीं सर, देखिए मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, देखें आप अच्छे, देखें लिखा हुआ जैसे। और इसका लॉक कैसे लगता है, जैसे आप रेडिएटर का लॉक लगाते हो ना, ऐसे ही इसमें लग जाता है, ऐसे ही उसमें खांचे बने हुए हैं, उसमें लग जाता है। कहीं में कसने वाला आता है, कहीं में कैसे भी आता है, इसमें रेडिएटर वाला है, जैसे रेडिएटर का कैप हम लगाते हैं। तो ये भी यहाँ आप निशान देख रहे हो, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो आपकी पावर ब्रेक है वो नॉर्मल ब्रेक की तरह काम करने लग जाएगी। नॉर्मल और पावर में अंतर समझ रहे हो आप, जैसे आपने स्टीयरिंग उस गाड़ी में स्टीयरिंग को घुमाया तो वो कितनी टाइट घूमती है, क्योंकि उसमें नॉर्मल है, जो स्टीयरिंग है वो नॉर्मल चल रही है, किसी भी फ्लूइड के द्वारा नहीं चल रही है। आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो इसकी स्टीयरिंग देखेंगे आसानी से मुड़ जाएगी, क्योंकि ये जो इसकी स्टीयरिंग है पावर स्टीयरिंग है। और आसानी से पावर स्टीयरिंग का काम क्या होता है, स्टीयरिंग को आसानी से घुमा देना। और जहाँ हमारा पावर शब्द आ रहा है वहाँ का मतलब जो जो काम आ रहा, जो भी काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ऑयल के द्वारा हो रहा है, क्योंकि ऑयल का जो काम होता है वो हमारा पास्कल का जो नियम होता है उसके आधार पर काम करता है। कैसे करता है, किसी भी फ्लूइड को हम दबाएंगे तो वो समान दबाव हर तरफ डालता है, तो इसी कारण हमारी स्टीयरिंग आसानी से घूम जाती है, इसी कारण हमारी ब्रेक आसानी से लग जाती है, इसी कारण हमारी क्लच आसानी से दब जाती है, और इसी कारण हमारे जो अलाइनमेंट है वो सही तरीके से बना रहता है। तो मेनली डिपेंड करता है ऑयल पे, तो आपकी गाड़ी में कभी भी कोई भी ऑयल कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ब्रेक का ऑयल हो गया। अब देख रहे हो आप, ये चीज देख रहे हो नीचे, ये क्या है, आप इसको जानते हैं, आप देख रहे हो इसमें अंदर वाइंडिंग बनी हुई है, वाइंडिंग दिख रही है आपको, कॉपर वाइंडिंग दिख रही है। तो जहाँ वाइंडिंग बनी होती है उसका काम होता है इलेक्ट्रिक बनाना, यानी किसी भी मैकेनिकल उसके द्वारा इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना, यानी इसका मेन काम है हमारी गाड़ी को लाइट बना के देना। जैसे हमारी लाइट वगैरह जल रही है या गाड़ी को हमें स्टार्ट करना है, तो सारे काम हमारे किसके द्वारा होंगे, ऑल्टरनेटर के द्वारा काम होंगे। और ये काम कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम कर रहा है। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑल्टरनेटर हो गया। तो ये मैकेनिकल सप्लाई को किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई में बदलेगा। अब देखिए सर, स्टीयरिंग ऑयल इनमें से ही होता है या अलग होता है? देखिए नॉर्मली तो स्टीयरिंग ऑयल इसी के कारण क्या है, आपस में दोनों देखिए और वहाँ से नीचे, लेकिन उसकी खासियत ओवर हीटिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो वहाँ से वो नीचे जाने लग जाती है, वो जल जाती है, जिसके कारण आपको पिस्टन की जो रिंग वगैरह है या पिस्टन है या आपका इंजन है उसमें कोई खराबी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले वो जल जाएगी तो आपको उसकी बदबू आएगी या खुशबू आएगी जो भी है वो आएगी, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा इंजन अभी सीज होने वाला है या लॉक होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, इसके कारण आप उस गाड़ी को बंद कर दोगे, आगे उसको नहीं चलाओगे और आपका इंजन हो सकता है, आपके इंजन में बहुत ज़्यादा जो मिस्टेक होने वाली थी उससे आप बच सकते हैं। ऐसे करके वो आपको, इसलिए वो पहले लीक होती है, क्योंकि उसको जितना ज़्यादा आप गर्म करोगे तो वो वहाँ से पिघल जाती है और ऑयल आपका लीक होने लग जाता है। इस गाड़ी में ज़्यादातर चीज़ें ढकी हैं तो इसके लिए मैं ज़्यादातर चीज़ बता नहीं सकता इसमें, आप तो मेनली यही चीज़। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट पहला था, इसके संबंध में हम 3 से 4 वीडियो और डालने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।